ये सिरप सूखी खांसी या खांसी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। सूखी खांसी को गैर उत्पादक खांसी भी कहा जाता है। ये खांसी ऐसी प्रकार की खांसी होती है जिसमें कफ और बलगम उत्पन्न नहीं होता है। ये काफी दिक्कत करता है मरीज को। और इस सिरप का उपयोग किस प्रकार की खांसी, किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की बीमारी में इस सिरप का उपयोग किया जाता है, या फिर इस सिरप का और क्या क्या उपयोग किया जाता है, खांसी से रिलेटेड क्या दिक्कत क्या समस्याओं रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा इस सिरप का दिया जाता है। इस सिरप का डोज क्या होता है, इस सिरप का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये सिरप पीना कैसे होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। चलिए अब हम आपको इस सिरप के यूज़ के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये सूखी खांसी ऐसी खांसी होती है जिससे व्यक्ति सुबह और शाम टाइम टू टाइम खांसता रहता है। इस समस्या में क्या देखा गया है कि उसे ना तो कफ आता है और ना ही छींक आता है। खाली सूखी खांसी की तरह ये खांसी एक हफ्ते से ज़्यादा लगातार बना रहता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। जैसे अगर कोई खाना खा रहा है उस समय भी उसे खांसी के जैसा महसूस होता है, तब ये सिरप पीने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। जब किसी को सूखी खांसी आता है तब उसके गले में गुड़गुड़ाहट के जैसा मचा रहता है, सर्दी, फ्लू, एलर्जी की समस्या रहती है, बार बार छींके आती हैं, तब इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये काफ़ी अच्छा ओरल सस्पेंशन होता है। और जैसे कि आपने देखा होगा, जब किसी को खांसी आता है तब उसके आँख में पानी आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा छींके होती हैं, गले में दर्द सा महसूस होता है, सीने में दर्द सा महसूस होता है और उसे उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाती हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यह सिर्फ डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। इस दवा में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। लिवोक्लोप्रेस्टाइन इस दवा का कंपोजिशन होता है। और जैसे कि ये सिरप मुख्य रूप से सूखी खांसी या फिर खांसी की समस्या में डॉक्टर के द्वारा मरीज को दिया जाता है, जब मरीज को खांसी की समस्या रहता है तब। और जैसे कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब किसी को खांसी की समस्या रहती है, यानी जब किसी को सूखी खांसी की समस्या रहती है, तो उसे हद से ज़्यादा खांसी लगातार आता रहता है। ये खांसी एक हफ्ता दो हफ्ता से लगातार कंटिन्यू आता है, टाइम टू टाइम उसे उस व्यक्ति को खांसी आता है। उसमें क्या होता है, जब वो खांसता है तब उसके सीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या होता है और उसके नाक से छींक आने लगता है और उसके सीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस सिरप का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि ये सिरप पीने के बाद में अगर आपके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या होने लगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगे, या फिर आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगे, या फिर आप ओवरडोज ये सिरप पी लें उसकी वजह से आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या होने लगे, तब ये सिरप आपको बंद कर देना है और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करना है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं। जैसे कि इस सिरप का जो डोज होता है, ये डॉक्टर मरीज की स्थिति और उसकी दिक्कत और उसकी परेशानी को देखते हुए इस दवा का डोज निर्धारित करके बताते हैं। लेकिन जो एडल्ट में इसका डोज होता है, जैसे कि 10 ml सुबह 10 ml शाम को पीने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। ये दवा एक प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन दवा होता है, ये दवा डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी दिक्कत और अपनी परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई सिरप कोई मेडिसिन कोई भी दवा लें। कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।